लखनऊ के हुसैनगंज के वी-मॉर्ट मॉल में चोरी करते हुए सिपाही को लोगों ने दबोच लिया, उसकी जमकर धुनाई की, इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी सिपाही ने वर्दी के नीचे चोरी की 3 शर्ट पहन रखी थी। इस वारदात की वीडियो बृहस्पतिवार देर शाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया, वहीं उसके खिलाफ जांच का आदेश भी दे दिया है। हुआ यूं कि सिपाही आदेश कुमार पुलिस लाइन में तैनात है। वह हुसैनगंज चौराहे पर स्थित वी-मॉर्ट मॉल गया था। उसने वहां 3 शर्ट पसंद की। कुछ देर तक इधर उधर टहलने के बाद वो ट्रायल रूम में चला गया। उसे पहनने के बाद ऊपर से वर्दी पहन ली, फिर मॉल से निकलने लगा। कुछ देर में वो बिना कुछ खरीदे मॉल से बाहर जाने लगा। इसी दौरान गेट पर लगे मेटल डिटेक्टर का बीप बजने लगा। बीप बजते ही मॉल के कर्मचारी चौकन्ना हो गए। उन्होंने सिपाही को रोका और पूछा कि कोई सामान तो उसके पास नहीं रह गया है। सिपाही के इनकार करने पर मॉल के कर्मचारियों ने उसकी चेकिंग की बात कही। चेकिंग का नाम सुनते ही सिपाही भड़क गया। इसी बीच कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। कर्मचारियों ने जब दबोचा तो वह उन पर रौब गांठने के बाद उनसे हाथापाई करने लगा। इसी बीच कर्मचारियों ने उसकी वर्दी उतारने की कोशिश की। इस दौरान वर्दी के नीचे शर्ट दिखी। शर्ट चोरी के खुलासे के बाद कर्मचारियों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। तत्काल सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो उसे कई कपड़ों के साथ ट्रायल रूम में जाते देखा गया, लेकिन बाहर निकलते समय उसके हाथों में कपड़ा नहीं था। ऐसे में यह समझने में देर नहीं लगी कि उसने कपड़े अपनी वर्दी के नीचे छिपाए हैं। सिपाही के नहीं मानने पर लोगों ने जबरिया वर्दी खोली तो उसके नीचे चुरा कर ले जाई जा रही 3 शर्ट दिखी। शर्ट दिखते ही कर्मचारियों का गुस्सा भड़क गया। कर्मचारियों के साथ ही अन्य लोगों ने उसकी धुनाई शुरू कर दी। तत्काल पुलिस को भी बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सिपाही को अपनी हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है। शर्ट चोरी कर जाते समय सिपाही मेटल डिटेक्टर के पास पहुंचा ही था कि तभी सिग्नल पर तेजी से बीप की आवाज आने लगी। इस पर कर्मचारियों ने उसे रोक लिया। इस दौरान कहासुनी होने लगी। मारपीट के बाद पहुंचे इंस्पेक्टर हुसैनगंज दिनेश कुमार बिष्ट पहुंचे। उन्होंने मामले को शांत कराया। इसके बाद सिपाही से तीनों शर्ट की कीमत अदा करने को कहा। उसकी रसीद भी सिपाही ने हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक वारदात 21 फरवरी की है, जिसका वीडियो बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी सिपाही गोमती नगर विस्तार में तैनात था। उसे हाल ही में पुलिस लाइन भेजा गया था। बृहस्पतिवार शाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने की जानकारी पर पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने आरोपी सिपाही आदेश कुमार को तत्काल निलंबित कर दिया। वहीं सिपाही के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया है। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। उधर सिपाही की वर्दी में पिटाई करने के मामले में माल कर्मचारियों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार बिष्ट के मुताबिक बृहस्पतिवार देर शाम को तहरीर नहीं मिली थी। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सनसनी ऑफ इंडिया टीम। अगर आप क्राइम वीडियो देखने के शौकीन हैं और अपने आसपास होने वाले क्राइम से अपडेट रहना चाहते हो तो तुरंत हमारे सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।